गुड मॉर्निंग डियर क्लास वन स्टूडेंट, वी आर इन इंग्लिश क्लास एंड वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज ऑफ लेसन 9 एनिमल पैरेड। टुडे आई विल डू सॉल्व सेक्शन ए कम्प्रीहेंशन, वेयर इट इज सेइंग दैट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ऑल द एनिमल्स आर, we have read already that all the animals are marching, so I will fill here marching. Second, one elephant runs to have some fun. Third, one tiger wants to clean his shoes. Fourth, one monkey loves to climb a tree. Fifth is the three little animals laugh and play. Now see B vocabulary. Here is what is saying in B1. Match the animals in column A with the sounds they make in column B. Number one is done for you. We will match the column A and column B with their sounds, meaning what sound of dog called, what sound of cat called. To see, a dog barks, a cat mews, a bird chirps, a horse neighs, a monkey chatter, an elephant trumpets. B2 is match the animal parents in column A with their table babies in column B. Number one is done for you. It is saying here to match the animals babies. As an example, one cat, two cats babies called kitten, hen babies baby called chick, cow babies called calf, dog baby called puppy, pig baby called piglet, lion baby called cub, sheep baby called lamb, goat baby called kid. Now see C, listening and speaking, sound of English. Say the following words after your teacher. Word, play, cake, name. Pairs of words, tell, tail, men, main, wet, wait. बच्चों, अभी अब हम लोगों ने लेसन 9 जो कि एनिमल परेड है उसका हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें देखिए ए है कम्प्रीहेंशन, इसमें कहा जा रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। जैसे वन में है ऑल द एनिमल्स आर, हम लोगों ने पढ़ा है एंड मार्चिंग, हर जगह मार्चिंग है, मंकी भी मार्चिंग कर रहा है, एलिफेंट भी कर रहा है, मंकी भी कर रहा है, टाइगर भी कर रहा है, तो इसमें क्या होगा मार्चिंग, ऑल द एनिमल्स आर मार्चिंग। सेकंड, वन एलिफेंट्स रन टू, एक एलिफेंट कहाँ दौड़ा, क्लाइंब ए ट्री, वन एलिफेंट रन्स टू क्लाइंब ए ट्री, एक एलिफेंट पेड़ पर चढ़ने के लिए दौड़ा, वन टाइगर वांट्स टू क्लीन हिज शूज, एक से बाघ है जो कि अपना जूता साफ करना चाहता है। फोर्थ है वन मंकी लव्स टू, एक बंदर को क्या पसंद है, वन मंकी लव्स टू आई
सॉरी ऑल द एनिमल्स आर मार्चिंग वन एलिफेंट एलिफेंट रन्स टू हैव सम फन थर्ड वन टाइगर वांट्स टू क्लीन हिज शूज फोर्थ वन मंकी लव्स टू क्लाइंब ए ट्री क्लाइंब ए ट्री फिफ्थ है द थ्री लिटिल एनिमल्स लाफ एंड प्ले। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बी को। बी क्या है? वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी में बी वन है, इसे हमें मैच करना है एनिमल के साउंड से। जैसे कि कॉलम ए में है पहला ए डॉग, ए डॉग क्या करता है? बार्क करता है, तो इसे वन को हम डी से मैच कर दिए। उसके बाद टू है ए कैट, ए कैट क्या करता है? मियाऊ मियाऊ करता है, तो म्यूज को हम मैच करेंगे। उसके बाद ए बर्ड है, ए बर्ड क्या करता है? चर्प्स करता है, तो चर्प्स से मैच कर देंगे एफ से। उसके बाद फोर्थ है ए हॉर्स, ए हॉर्स क्या करता है? नीज, ए से हम इसे मैच कर देंगे। फाइव ए मंकी, ए मंकी क्या करता है? चैटर्स करता है, बी से मैच कर देंगे। उसके बाद एन एलिफेंट क्या करता है? ट्रम्पेट, तो इसके एन एलिफेंट को ई से हम मैच करेंगे, एन एलिफेंट ट्रम्पेट। उसके बाद बी टू है मैच द एनिमल पेरेंट्स इन कॉलम ए विद देयर बेबीज इन कॉलम बी, नंबर वन इज डन फॉर यू। इसमें ए और बी को हमें मैच करना है जानवर के बच्चे, बेबी, बेबी को क्या कहते हैं? जैसे वन देखिए कैट, कैट के बेबी को क्या कहते हैं? किटन, कैट के बच्चे को किटन कहते हैं। हेन, हेन के बच्चे को क्या कहते हैं? चिक। टू को डी से मैच करेंगे। सी थ्री का, थ्री का काऊ है, काऊ के बच्चे को क्या कहते हैं? काफ कहते हैं, तो ए से मैच करेंगे इसे। उसके बाद डॉग, डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? पप्पी, तो पप्पी यहाँ है, एच से मैच कर देंगे फोर को। फिफ्थ है पिग, पिग के बच्चे को क्या कहते हैं? पिगलेट, यहाँ एफ में है, तो इसे मैच कर देंगे। सिक्स्थ में लाइन, लाइन के बच्चे को क्या कहते हैं? कब, बी में है, इसे मैच करेंगे। शिप, सेवेंथ में शिप है, शिप के बच्चे को क्या कहते हैं? लैम, इसे लैम से मैच कर देंगे जो कि जी में है। और एट गोट, गोट के बच्चे को क्या कहते हैं? किड कहते हैं, ई में है, इसे मैच कर देंगे। उसके बाद सी में देखिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, कुछ वर्ड है साउंड ऑफ इंग्लिश। से द फॉलोइंग वर्ड्स आफ्टर योर टीचर, इन वर्ड को मेरे बाद आपको पढ़ना है जैसा कि इंस्ट्रक्शन है। तो वर्ड देखिए क्या है? प्ले, केक, नेम। सेकेंड में पेयर्स ऑफ वर्ड, वर्ड का जोड़ा है। देखिए एक में शॉर्ट साउंड निकलता है, एक में लॉन्ग साउंड निकलता है। इसमें देखिए किसी भी वर्ड में लास्ट में ई लगा हुआ है तो वो लॉन्ग साउंड निकल रहा है, और सिर्फ बाद में ई नहीं लगा हुआ है तो शॉर्ट साउंड निकलता है। जैसे ये क्या हुआ? टेल, क्या ये? टेल। और ये क्या हो गया? टेल, ये शॉर्ट साउंड हुआ, ये लॉन्ग साउंड हुआ। टेल, टेल। मेन, मेन। वेट, वेट। फिर से देखिए वर्ड, टेल, टेल। मेन, मेन। वेट, वेट। तो ये आपका एक्सरसाइज था लेसन नाइन का। एक बार आप फिर से देख लीजिए, एक कम्प्रिहेंस, एक कम्प्रिहेंसन में फर्स्ट में मार्चिंग फील होगा, सेकंड में हैव सम फन फील होगा, थर्ड में क्लीन हिज शूज फील होगा, फोर्थ में क्लाइंब ए ट्री फील होगा, और फिफ्थ में लाफ एंड प्ले फील होगा। बी में, बी वन में वन को हम डी से मैच करेंगे, टू को सी से मैच करेंगे, थ्री को एफ से मैच करेंगे, फोर को ए से मैच करेंगे, फाइव को बी से मैच करेंगे, सिक्स को ई से मैच करेंगे। बी टू में देखिए वन को सी से मैच करेंगे, टू को डी से मैच करेंगे, थ्री को ए से मैच करेंगे, फोर को एच से मैच करेंगे,
फिफ्थ को एफ से मैच करेंगे, सिक्स्थ को बी से मैच करेंगे, सेवेंथ को जी से मैच करेंगे और एट्थ को ई से मैच करेंगे। इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। हम क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।